अलगू दोस्तों अगला निगरान वजे कौन बनने वाला है और उसका जनरल आसि मुनीर आर्मी चीफ से क्या ताल्लुक है उसकी दोस्ती जनरल आसिम मुनीर से आखिर कितनी पुरानी है ये सारी तफसील और उस वजी का नाम मैं आप दोस्तों के सामने रखने वाला हूँ और इमरान खान क्यों उसको अपना दुश्मन नंबर एक समझता है और अगर वो वजीर आजम बन जाता है निगरान वजी अजम बन जाता है तो इमरान खान की कितनी मुश्किल में मजीद इजाफा हो सकता है ये सारी तफसील इस वीडियो में मैं आगे, आगे आपको बताने वाला हूं लेकिन पहले आप दोस्तों को बताते हैं जनरल आसिम मुनिर और इमरान खान के जो ताल्लुक हैं जितने कशीदा हैं वो साफ सबको पता है अब इमरान खान ने मिन्नत तल्ले करना शुरू कर दिए हैं कि कोई मुझसे बात नहीं कर रहा आर्मी चीफ मुझसे बात नहीं कर रहा मैं चाहता हूँ आर्मी चीफ मुझसे बात करे मुल्क मसाइल पर बात करे जो मुल्क हालात हैं उस पर बात करें लेकिन कोई मुझसे गुफ्तु करने को तैयार नहीं है अब दोस्तों मामला ये है है, कि मुनीर के साथ जो लड़ाई इमरान खान वो इस नहज पर ले गए हैं कि वहां से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ गया है अब इमरान खान किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है इसीलिए दोस्तों मामला यह है कि इमरान खान को इस नहज तक जो जिस शख्सियत ने पहुंचाया उसके बारे में बार बार ये बताया जाता रहा था हम भी आपको बताते रहे थे कि बुशरा बीबी के जो मशवरे हुआ करते थे इमरान न्याजी को और जिस तरह वो फाल जिस तरह जादू टोने किया करती थी अमलियात किया करती थी इमरान न्याजी को इस हाल में पहुंचाने में उनका कलीदी किरदार रहा है अब दोस्तों बड़ी खबर यह है और बड़े सहाफी ने ये दावा किया है के बुशरा बीबी ने इमरान न्याजी को ये मशवरा दिया है कि उन्हें चाहिए कि वो स्टैब्लिशमेंट के साथ फौज के साथ कोई डील कर ले मामला को तय कर लें अब मामला ये है कि इमरान न्याजी अपनी तकरीरों में तो ये कह रहा है कि मैं बात करना चाहता हूँ डील करना चाहता हूँ एनआरओ हासिल करना चाहता हूँ और ये उसी मशवरे के बाद इमरान न्याजी ने अपनी तकरीरों में कहना शुरू किया है जो अब ने न्याजी को देना शुरू कर दिए हैं ये जो बड़ा दावा सामने आया है ये सलीम साफी साहब की, की जो जानब से सामने आया है और उन्होंने ये बताया है कि इमरान न्याजी जिस तरह अब सियासी तौर पर तनहा होता जा रहा है जिस तरह लोग उसको छोड़कर गए हैं और उसके दुश्मन नंबर एक जो सियासी मुखालिफ था जहांगीर तरीन उसके कैंप में अब जा चुके हैं लिहाजा इमरान न्याजी को अब यह रियलाइज हो रहा है अब उसको यह एहसास हो रहा है कि उसने सियासी कितनी बड़ी गलती कर दी है कितनी बड़ी हिमाकत कर दी है कि उसने सोलो फ्लाइट जो है वो लेने की कोशिश की थी और सियासत में आप दोस्तों को पता है कि सोलो फ्लाइट नहीं होती सबको मिल मिला के चलना होता है कुछ कॉम्प्रोमाइज करना होता है कुछ लेना होता है कुछ देना होता है लिहाजा इमरान नियाजी की जो अना और अकड़ थी उसने इमरान नियाजी को इस हाल में पहुंचा दिया है अब बुशरा बीबी के जो करतूत थे उसकी जो फाइलें थी और जो भी मामला थे वो खुफिया रिपोर्टें थी आप दोस्तों को पता है वो जर्नल आसिम मुनर जब डी जी आई एस आई हुआ करते थे उनके पास वो रिपोर्टें मौजूद थी बायदा उस वक्त वो जनरल कमर जावेद बाजवा को उन्होंने दिखाई फिर इमरान न्याजी को उन्होंने दिखाई और इमरान न्याजी ने इतवार के रोज छुट्टी के रोज जर्नल आसिम मुनर को बतौर डी जी फारिग कर दिया था उनको बाकायदा दूसरी गुजरावाला कोर कोर्ट थी वहां पर भिजवा दिया गया था लेकिन अब वही बुशरा बीबी जिसके करतूत की एक एक जो फाइल है वो जनरल आसिम मुनीर Uh, को मालूम है जनरल आसिम मुनिर उसके तमाम मामला को जानते हैं अब बुशरा बीबी इमरान न्याजी को यह मशवरा दे रही कि उन्हें इस्ट के साथ जनरल आसिम मुनर के साथ डील कर लेनी चाहिए मामला को तय कर लेना चाहिए लेकिन दूसरी जानब दोस्तों इस्टबलिशमेंट ये फैसला कर चुकी है इमरान न्याजी ने जो रेड लाइन क्रॉस की है जो हदे पार की हैं अब कोई कॉम्प्रोमाइज कोई बातचीत कोई मुजात कोई डील इमरान इमरान खान के साथ नहीं हो सकती है न्याजी पे बड़ा रेड क्रॉस लग चुका है और इस बात का एहसास इमरान खान को भी हो चुका है इसीलिए अब इमरान न्याजी के जो तेवर हैं वो आप बदलते हुए देख रहे हैं मामला उसके बदलते हुए उसकी गुफ्तगु का जो तरजे तर्जे जो गुफ्तगु है उसको आप बदलते हुए देख रहे हैं लेकिन अब इमरान नियाजी को कोई डील नहीं मिलनी और वो जो फौजी अदालतें बनाई जा रही हैं बहुत मुमकिन है कि उसमें इमरान खान का ट्रायल हो सकता है इमरान खान पे मुकदमात वहां चल सकते हैं तो मुशरा बीबी की ये जो मशवरा था वो समझ ली थी कि खाक बराबर है उस पर कोई अमल दरामद नहीं होना लेकिन दूसरा जो बड़ा मामला है वो अगले निग्रान وزیراعظم का है दोस्तों पहले जैसे मैंने आपको बताया कि जो अगला निगरान वजीर आजम हो सकता है विफाक में वो जनरल आसमिर का बड़ा करीबी हो सकता है और वो उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो इमरान खान का दुश्मन एक है उसकी वजह यह है कि जब इमरान न्याजी वजी अजम हुआ करता था तो उस शख्स को जो कि जिसका नाम अब आ रहा है कि वो निगरान वजी अजम हो सकता है उसको बाकायदा एफ आई ए के जरिए इमरान न्याजी ने गिरफ्तार करवाया था और जिस तरह गिरफ्तार करवाया था वो बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनी थी और उस गिरफ्तारी के वक्त जो उस शख्स ने कहा था वो ही इमरान न्याजी के साथ हुआ उस शख्स ने गिरफ्तारी के वक्त कहा था इमरान न्याजी तू तो गयो और उसके बाद तहरीकिदम एतम आ गई इमरान न्याजी अपनी जो वजारत उजमा थी उससे फारिग हो गया अब इमरान न्याजी जो उसका हाल है जो तमाम पाकिस्तानी हैं वो उसको देख रहे हैं मोहसिन बेग के बारे में ये कहा जा रहा है ये खबरें आ रही हैं ये दावे किए जा रहे हैं गैर मुशदा दावे किए जा रहे हैं कि वो अगला निगरान वजीर अजम हो सकता है जब जनरल आसिम मुनीर बतौर आई एस जो आर्मी चीफ थे उनकी तैनाती हुई थी तो बाकायदा मोहसिन बेग के साथ उनकी तस्वीर आई थी बाकायदा मोहसिन बेग ने इस बात का एतराफ़ किया था कि उन्होंने मुबारकबाद देने के लिए वो गए थे जनरल आसिम मुनीर के पास और उनके बड़े गहरे मरासिम रहे हैं जनरल आसिम मुनीर के साथ बहुत करीबी मरासम रहे हैं और जो मोहसिन बेग है दोस्तों जो इकतदार की राय है इकतदार की राहदारियाँ हैं उसमें मोहसिन बेग साहब को हर कोई जानता है वो पावर कॉरिडोर के बड़े करीबी जो है वो रहे हैं चाहे वो सियासतदान हो चाहे वो इस्टेबलिशमेंट हो चाहे ब्यूरोसी हो चाहे हो तमाम से मोहसिन बेग के करीबी तालुकात रहे हैं और अब मोहसिन बेग का नाम जो है वो गर्दिश कर रहा है कि अगला वजीर आजम वो हो सकता है अब दिलचस्प बात यह है कि जो मोहसिन बेग है उसने लंदन में नवाज शरीफ साहब के साथ भी मुलाकात की थी और इससे कबल जो पंजाब के वजीर मुंतब हुए थे उन्हें बनाया गया था मोहसिन नकवी साहब उनके बारे में भी ये कहा जाता था कि वो और तहरीक कह लीजिए आग और पानी है दोनों का कोई रब नहीं है दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं और फिर मोहसिन नकवी साहब को वजीर अला पंजाब बना दिया गया था अब एक और मोहसिन जो है वो उसका नाम आ रहा है मोहसिन बेग का के वो अगला वजीर आजम विफाक में जो केयर टेकर हुकूमत होगी ईरान हुकूमत होगी उसका वज़ी अज़मतब हो सकता है अब जिस तरह मोहसिन नकवी को तहरीक और इमरान खान ने कबूल नहीं किया था बाकायदा उनके खिलाफ एक पूरी मुनजम मुहिम चलाई थी एक कैंपेन चलाई थी बाकायदा अदालतों से राबते किए गए थे इलेक्शन कमीशन से रबे किए गए थे और उनको जो है वो नामंजूर किया गया था लेकिन मामला ये हुआ आखिर में उनकी नामजदगी हो गई फिर महसिन बे महसिन नकवी जो था वो कह लीजिए कि तहरीक के लिए वाले जान बन गया अब अगर मोहसिन बेग जो है वह वज़ी अज़म बन जाता है निगरान वजीम तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि फिर के साथ क्या कुछ हो सकता है और जो इमरान खान ने सियासत की है दोस्तों तमाम जितने भी सियासी कार्ड थे इमरान न्याजी ने बहुत गंदे कार्ड खेले हैं बहुत बुरे कार्ड खेले हैं इसीलिए अब वो सियासी तौर पर तनहा है न सिर्फ तनहा है कि जो मुस्तबिल की सियासत है वो भी इमरान खान के हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है अब देखना है कि मोहसिन बेग की तैनाती होती है या नहीं होती है और कब होती है और अगर होती है तो फिर जो तहरीक इंसाफ है और जो पीपल्स पार्टी और नून लीग है उनको वो काबिल कबूल होता है या नहीं होता है एक और जो बड़ा मामला है वो फरा गोगी के हवाले से है। दोस्तों खबर ये है और बड़ी खबर ये है कि दुबई से फरा गोगी फरार हो चुकी है बाकायदा फरा गोगी को पाकिस्तान से फरार करवाया था इमरान खान की जब हुकूमत जाने वाली थी तो उन्हें मलिक रियाज के जहाज़ में यहाँ से फरार करवा दिया गया था क्योंकि फरा गोगी वो शख्सियत थी जो इमरान न्याजी और बुशरा बीबी की फ्रंट लेडी हुआ करती थी वो तमाम जो माली मामला हुआ करते थे पंजाब में खुदबुद के माल बनाने के माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के मुल्क से बाहर मनी लॉन्ड्रिंग करने के वो तमाम मामला मुबैना तौर पर फरा गोगी किया करती थी और अब बड़ी खबर यह है और ये भी एक बड़े सहाफी ने दावा किया है कामरान शाह ने दावा किया है कि उनके जराए के मुताबिक ये पता लगा है कि फरागोगी को दुबई के हुक्म ने बताया कि वो मुल्क छोड़ दे क्योंकि अगर उन्होंने मुल्क ना छोड़ा तो पाकिस्तानी हुक्म के उन्हें हवाले करना पड़ेगा लिहाजा इससे कबल दोस्तों खबरें आई थी कि फरा गोगी के इंटरपोल के जरिए वारंट जारी किए जा रहे हैं और फरा गोगी को गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया जा सकता है अब मामला यह है कि फरा गोगी के बारे में यह खबर आ रही है कि दुबई से वो फरार होकर इटली जा चुकी है इटली में जाके उसने पना ले ली है और इटली में खबरें वहां से ये हैं कि जो भी चोरी का माल था जो पाकिस्तान में इमरान न्याजी ने बतौर वज़ी और बुशरा बीबी ने खातून ने अव्वल के तौर पर बनाया था वो इटली की ऑफ शोर कंपनियाँ वहां पर उसको महफूज किया गया था लिहाजा अब फरागोगी इटली फरार हो चुकी है दुबई से अब देखना है कि फरागोगी का अगला जो ठहराव होगा अगला मरकज होगा वो क्या होगा और वो कब इमरान न्याजी और बुशरा बीबी के खिलाफ वादा माफ गवाह बनती है आने वाले दिन बड़े तहलका खेज होने वाले हैं बड़े तला तुम खेज होने वाले हैं सियासी हलचल अपने उरूज पर जाने वाली है मैं आपको उन तमाम मामला से बाखबर रखूंगा अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया आप बाबर रहना चाहते हैं आप तक मालूम पहुंचती रहे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बैलाइकन का बटन है उसको लाजमी क्लिक कीजिए फेसबुक पर देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए अपना ख्याल रखिएगा पाकिस्तान जिंदाबाद